पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर इलाके में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीम पर पथराव की खबर सामने आई है। यह घटना आज सुबह की है। घटना तब हुई जब एनआईए की टीम तीन लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। इसी दौरान लोगों ने टीम पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। तस्वीरों के माध्यम से यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से टीम की गाड़ियां हमला कर दिया। लोगों ने एएनआई की टीम को घेर लिया और इस दौरान महिलाओं के हाथों में डंडे होना यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि इस स्थान पर लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से ताक पर रख दिया जा चुका है। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय इलाके की पुलिस कोई मौजूद की नहीं थी। करीब 150 से अधिक लोगों ने इस अधिकारियों को घेर लिया और इन पर ईंट और पत्थरों से हमला किया। ठीक इसी तरह घटना ईडी के साथ भी 5 जनवरी 2024 को देखने को मिली थी, जब ईडी की टीम पर पश्चिम बंगाल के साउथ परगना जिले में करीब 200 लोगों ने हमला कर दिया था। उस समय ईडी के अधिकारी टीएमसी नेता के घर रेड करने पहुंचे थे, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ था। और अब इसी तरह का मामला एक बार फिर सामने आ गया है, जिसमें दिसंबर 2022 बम ब्लास्ट मामले की जांच में तीन लोगों को गिरफ्तार कर रही एनआईए की टीम पर हमला किया जाता है, जो कि राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर बेहद संगीन आरोप खड़े करता है। इस पूरे मामले पर राज्य पुलिस का कहना है कि केस रजिस्टर किया जाएगा, जो भी विजुअल्स सामने आएंगे उनके आधार पर एफआईआर होगी। लेकिन इससे यह सवाल पैदा होते हैं कि क्या राज्य में केंद्रीय एजेंसियां अपने काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चैलेंजिंग फ्यूचर न्यूज की सब्सक्राइब करें और इस जानकारी से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर भी करें।